गाजीपुर से आदित्य कुमार सीनियर क्राइम रिपोर्टर की खास रिपोर्ट कई बिंदु इशारा कर रही है। साजिश की तरह सेवानिवृत्त फौजी की हत्या का गुनाहगार कौन, मृतक के बेटा ने किया बड़ा खुलासा। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर भूरकुरा थाना क्षेत्र के चौजा खास गांव की झाड़ी में सेवानिवृत्त आर्मी के जवान रामेश्वर यादव 60 वर्ष का शव 13 जून की प्रात 3 बजे मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। सूचना पर पुलिस ने शव पीएम के लिए भेजा था। इस सिलसिले में क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं थी, जहां शव बरामद हुआ, एक जोड़ी लेडीज चप्पल, कोल्ड ड्रिंक की बोतल सहित अन्य सामग्री भी बरामद हुई। सबसे मजे की बात रही को इस घटनास्थल पर सुनसान झाड़ी सबसे पहले पहुंचने वाले खुद मृतक के परिजनों ने पहुंचकर पुलिस को फोन कर सूचना दी। कोतवाल तारावती ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नॉर्मल हार्ट अटैक आया है तथा परिजनों के बताए हुए कई बिंदुओं पर भी जांच की जा रही है, जल्द खुलासा होंगे। मृतक बेटा अविनाश यादव ने आज सपा के वरिष्ठ नेता कमलेश उर्फ भानु यादव, राजनाथ राम, प्रवेश गोड, पूर्व ब्लॉक प्रमुख गरीब राम सहित कार्यकर्ताओं के साथ भूरकुरा थाने में 2 महिलाओं के खिलाफ नामजद रिपोर्ट भी दी है। मृतक के बेटा अविनाश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरे पिता काफी सीधे साधे व्यक्ति थे, जो सेना के जवान से सेवानिवृत्त होने के बाद मध्य प्रदेश के सिंगरौली सिग्नो कंपनी में ब्रांच मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। 12 जून को घर से जखनिया तहसील में पहुंचे थे, जहां भूरकुरा निवासी 2 महिला की भूमि आपस में एक दूसरे महिला की भूमि रजिस्ट्री कराने का मामला था, लेकिन तथाकथित महिलाओं ने ही हत्या किया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मृतक रामेश्वर यादव के पास 70,000 रुपए थे, जो पैसे भी गायब थे, और उस महिला से 2012 से दोस्ती है। उन महिलाओं को गिरफ्तार कर जो हत्या के दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। क्या नाम है आपका? अविनाश यादव। जो अभी जो शव मिला था रामेश्वर यादव जी का, आपके पिता थे? जी, मेरे अभी कैसे मौत हुई है, क्या कारण था? मेरे ऊपर तो सिग्नो कंपनी, उसमें जॉब करते थे मैनेजर पोस्ट के, गांव में आए थे शादी अटेंड करने, फिर वहाँ 11 तारीख को शादी थी, 12 बजे खिंडिया में कुछ काम था, तो घर पे जाके बताया कि मैं अभी आ रहा हूँ, 5 बजे मैं आ जाऊँगा, फिर 5 बजे पापा नहीं आए, तो कई बार कॉल अटेंड नहीं की, रात में हमने कॉल की 10-11 बजे हो जाऊँगी, तो मोबाइल ट्रैक किया गया, कंपनी सामान के लोकेशन ट्रैक किया गया, तो जखीमिया पुल के पास उनका लोकेशन ट्रैक हुआ, तो वहाँ गए हम लोग, तो उनका देखा गया कि वो है नहीं, बॉडी उनकी बॉडी पड़ी थी, और इस घटना के पीछे रेणु तिवारी पूरा से वही है, पूरा विश्वास वही है, और उसके और उस महिला से संबंध क्या था उनका? देखिए, उस महिला से उनका पहली मुलाकात 2012 में, महिला उनका मतलब जो हस्बैंड है वो एक्सपायर कर गए दुबई में, तो कोई। क्या नाम है आपका? मैं कमलेश यादव खानू, विधानसभा अध्यक्ष। अभी जो भूरकुरा थाना क्षेत्र के चौजा खास गांव के पास एक शव मिला था पूर्व फौजी रामेश्वर यादव का, ये क्या मामला है, जबकि पुलिस बता रही है कि अभी पीएम रिपोर्ट आया है उसमें नॉर्मल हार्ट अटैक है। देखिए, रामेश्वर यादव जी हमारे गांव के निवासी हैं, चिनार गांव का, और अच्छे आदमी थे, हम लोग उनको पहली बात अच्छी तरह से जानते हैं, 340 साल से कोई काम था उनका, जखनिया तहसील में आए थे और 2 बजे घर से चले, और इसके बाद यहाँ आने के बाद अब हम तो घटनास्थल पर भी गए, पुल के बगल में करीब 700 मीटर बगल में झाड़ी, जहाँ कि आज के समय में अगर धूप में वहाँ आदमी को रख दिया जाए तो मर सकता है, इस परिस्थिति में वहाँ दिन में करीब 3 बजे पता चला, वहाँ के प्रत्यक्ष दर्शी लोग जो कि नदी में चरवाहा और वहाँ करके कुछ बच्चे थे, वो लोग बता रहे थे कि यहाँ कोई एक महिला थी और वो छटपटा रहे थे, वो बच्चे बता रहे थे कि हम लोग चप्पल उप्पल भी सुनाए कि मतलब इनको मिर्गी उर्गी आ रही है, तो चप्पल उप्पल भी सुनाए सर, लेकिन तब तक वो महिला कही कि ऐसा तुम लोग भग जाओ यहाँ से, नहीं तुम लोगों को फंसा देंगे। इसके बाद और बच्चे बताए कि उसके पास से हम लोग पता किए कि उसके पास से मरने के बाद वो महिला पैसा निकाली, लड़के बता रहे थे कि 70-80 हज़ार रुपया था जिसको निकालते, तो महिला लेकर चली,
इतनी घटना हुई, इसके बाद भी हम लोग एसओ से मिले हैं। अभी तक तहरीर देने के बाद जो भी अभी तक उन्होंने न कोई FIR किया है, न कोई जांच किया है, न कोई घटना स्थल पर जाकर के किसी से पूछताछ की है। इस तरह की घटना है, ऐसा संज्ञान में तो संज्ञान हम लोग देख रहे हैं। तमाम तरह का मतलब किसी से अपराध बढ़ रहा है, क्यों जाएगा उतना अंदर भाई आदमी? कहीं ना कहीं ये सब है कि उनकी हत्या करके, चाहे जैसे भी हत्या करने की इच्छा से वहाँ ले जाकर उनको मारा गया। क्या इस हत्या के पीछे कोई महिला का हाथ है? अभी तो हम लोग पूछे हैं उनके बच्चों से, कोई महिला है भुरकुरा की जिसका रेनू नाम, जो जिसके यहाँ उनका जाना आना जाना था।